नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी, जो कल्याणी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, यह शीतला देवी मंदिर है। इसके बगल में आनंदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा पाठ व धार्मिक कार्य किए जाते हैं। यह काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग है, चौराहा है, शीतला देवी चौराहे के नाम से जाना जाता है। चौराहा काली मिट्टी से शिवराजपुर जाने का यह मार्ग है, जो करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबा है, इसकी दूरी है। नगर का फतेहपुर चौरासी नगर का जो क्षेत्रफल है वह 200 हेक्टेयर में है। जनसंख्या 2001 के अनुसार 5,424। इस नगर में 10 वार्ड हैं। नगर पंचायत भवन है, टाउन एरिया है। यहाँ पर नगर में ब्लॉक, थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। नगर में अवध ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, यूनियन बैंक जैसी कई बैंक हैं। यहाँ पर प्राइवेट एक हॉस्पिटल है, फतेहपुर चौरासी कह सकते हैं, यह चौरासी हॉस्पिटल जो प्राइवेट है, और छोटे छोटे बहुत से यहाँ पर क्लिनिक हैं। नगर पंचायत में प्रतिदिन बाजार लगती है, सोमवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को बूढ़े बाबा की बाजार होती है, जिसमें भारी भीड़ होती है। रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को पुरानी और बड़ी बाजार होती है, जो बस्ती के अंदर है। इसके अलावा बुधवार को संतोषी माता की बाजार होती है, जो नगर के अंदर है और सबसे छोटी बाजार उसे माना जाता है। यहाँ पर माँ संतोषी माता का मंदिर है। नगर में हनुमानगढ़ी है, जो बताया जाता है यहाँ पर बहुत सी मूर्तियां खुदाई में निकली थी, राम, सीता, लक्ष्मण जैसे देवी देवताओं की। यहाँ पर प्रसिद्ध बूढ़े बाबा मंदिर है। नगर से सटा हुआ हजारीगिर आश्रम है। नगर के किनारे कुछ तालाब भी हैं। नगर में कई मस्जिद हैं। नगर में 10 से 15 छोटे बड़े मंदिर भी हैं, जिसमें शीतला देवी मंदिर प्रमुख रूप से माना जाता है। नगर में कई सामुदायिक शौचालय भी हैं। नगर में लगभग सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। नगर की घनी बस्ती है। बस्ती में लगभग कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस नगर में रहते हैं। इस नगर में
हिंदी भाषा को जानने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं। हिंदी और अवधी भाषा का यहाँ मिश्रण है। नगर में लगभग 25 सालों से नगर निकाय का चुनाव होता है। इससे पहले यहाँ प्रधान हुआ करता था। नगर में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक नया गौशाला भी बन रहा है जो काफी दिनों से अधूरा पड़ा हुआ था। नगर पंचायत के माध्यम से यहां पर गौशाले का निर्माण भी हो रहा है। नगर में यदि नहीं है तो बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु मिल जाती है। सब्जी से लेकर हर वस्तु यहाँ पर, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन आदि सभी उपलब्ध होते हैं। कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, ऐसी कोई चीज वस्तु नहीं है जो यहाँ मिलती ना हो। अगर किसी चीज की कमी नगर को है तो सिर्फ खेल के मैदान की है, जिसकी वजह से कई बार खेल खेल में लोगों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पर लोग खेल खेलते हैं वहाँ पर किसी तरह की विवाद की स्थिति कई बार उत्पन्न होती रहती है। नगर में बहुत से विद्यालय हैं, जिसमें कई सरकारी विद्यालय भी हैं तो कुछ प्राइवेट विद्यालयों की तो भरमार है नगर में। नगर में कुछ ऐसे स्थान भी हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके बारे में लोग दूर दूर से आते हैं जानने और देखने के लिए। जैसे यहाँ की गुजिया का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग गुजिया खरीदने के लिए इस नगर में आते हैं। इस नगर की गुजिया काफ़ी पसंद है बहुत से लोगों को, ऐसा लोगों का मानना है। करीब 50 वर्षों से यहाँ की गुजिया का प्रभाव लोगों पर प्रभावी है। नगर में कोई भी किसी से विरोधाभास की स्थिति बिल्कुल नज़र नहीं आती है, जबकि इस नगर में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर भी यहाँ पर आपसी सामंजस्य बना रहता है। धर्म को लेकर यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। सभी एक दूसरे के धर्म को मानते हैं और सहयोग करते हैं। भाईचारा यहाँ हमेशा बना रहता है। लगभग 2 से 3 वर्षों से यहाँ पर घटनाएं, दुर्घटनाएं थोड़ा सा बढ़ गई हैं। इससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से शांति का माहौल बना रहता था, लेकिन लगभग 2 वर्षों से कुछ घटनाओं ने इस कस्बे को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया है, नाम बढ़ा दिया है। घटना दुर्घटनाओं के वजह से काफ़ी चर्चित हो गया है कुछ दिनों से। बाकी यहाँ किसी तरह की दंगा विवाद जैसी स्थिति बिल्कुल इस नगर में नहीं रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग हर जगह दंगा विवाद मारपीट जैसी स्थिति अधिक मात्रा में होती है। इस नगर में सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण रहता है और पूरा भीड़ भाड़ का एरिया बना रहता है। इस नगर में छोटा नगर होने के बावजूद लगभग 12 से 14 घंटा यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना रहता है। छोटे से बड़े व्यापारी तक इस नगर में अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई किसी को आपत्ति या दिक्कत
नहीं होती है। यहाँ पर कई मोटरसाइकिल के शोरूम भी हैं जो बाहर के लोग भी यहाँ से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं जो नगर का नज़ारा है, यह नगर कितना घना बना हुआ है। यहाँ पर कई टेलीफोन एक्सचेंज भी बने हुए हैं। यहाँ पर लगभग सभी तरह से सुख सुविधाओं का प्रभाव प्रभावी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नगर में पूरी तरह से अमन चैन की स्थिति बनी रहती है वर्ष के 12 महीने। और प्रत्येक पर्व जो आते हैं, सभी धर्मों के लोग, यदि किसी दूसरे धर्म का कोई पर्व आता है उसमें सभी लोग मिलजुल कर उस पर्व को मनाते हैं। यहाँ पर यह स्थिति बिल्कुल नहीं होती है। एक धर्म का कोई पर्व हो तो दूसरे धर्म का उसका विरोध करें, लेकिन यहाँ पर यदि स्थिति है तो सिर्फ यह है कि बाहर का व्यक्ति यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत यदि पैदा करता है तो सभी एकजुट होकर उससे मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजली की व्यवस्था जो थी वो काफ़ी दिक्कत होती थी बिजली की वजह से। अब फतेहपुर चौरासी नगर के निकट दोस्तपुर सिवली के पास मिनी पावर हाउस भी बन गया है, जिससे वह दिक्कत समाप्त हो गई। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।